अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम क्वेश्चन के पार्ट सिक्स के साथ जिसमें हमसे पूछ रहा है सिंप्लीफाई, जो ये रकम आपके सामने मौजूद है बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से, इसे अच्छे तरीके से समझिए। ये देखें 27, ये होल पावर 2n/3 है तो 27 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा 3/3 के, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और इसके जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 2n/3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर्स निकालें, इसके निकलेंगे 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो ये 8 हो जाएगा, और इसके जो पावर्स हैं ये −n/3 ये इससे मल्टीप्लाई जाके करेंगे, अपान में आ जाएं 18 के फैक्टर्स निकाल लें, 18 के फैक्टर्स निकलेंगे 2×2 = 18 हो जाएगा, पावर आप वही दे दें −n/2 और यहाँ पे क्योंकि 2×9=18 होगा, 9 का मतलब है कि अगर हम इसे 3² करें, क्योंकि 3² का मतलब है 3 2 times मल्टीप्लाई है, 3×3=9 हो जाएगा और 9×2=18, तो इसको हमने सादा सूरत में ले आए 18 को, ये मल्टीप्लाई जो पावर हैं इसके साथ भी हो जाएंगे मल्टीप्लाई −n/2। यहाँ देखें ये 3 आपस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहा है, बाकी देखें क्या बचता है हमारे पास 3 ये 2n मल्टीप्लाई ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ये −n और अपान में आ जाएं, अपान में 2 में −n/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 3 −n, देखें बेसिक जैसा है बिल्कुल, तो पावर जाके ऊपर जमा हो जाएंगे, माइनस का एन प्लस में चला जाएगा, 3 बेस 1 जैसा है तो एक ही मतलब हमने ले लिया, तो ये 2n और माइनस का n जब हम भेजेंगे तो ये प्लस का चला जाएगा n, और इसी तरह ये देखें एक जैसा है बिल्कुल 2 और 2, तो 2 बेस निकाल देंगे, ये −n और जब ये −n/2 डिवाइड होगा तो ये प्लस के लिए चला जाएगा, तो +n/2 हो जाएगा, तो यहाँ देखें ये 3 ये 2n और n ये 3n हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 2 ये देखें 2 ब्रैकेट के बीच में ये 2 रकमों के बीच में प्लस है तो इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और 2 की एलसीएम 2 निकलेगी, 1 की टेबल 2 टाइम्स तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो −2n हो जाएगा, और +2 की टेबल यहाँ 1 टाइम्स है तो 1n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएं ये देखें 3/3n और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 2 ये −2n में से के प्लस का 1 चला जाएगा तो ये −n/2 हो जाएगा, अगर इसे ये देखें माइनस पे रकम यहाँ पे तो इसको नीचे ले आएं, ये प्लस किया जाएगी तो n 3n/2 ये प्लस में नीचे पावर्स जो हैं इसके प्लस में आ जाएंगे n/2, तो यही हमारा मतलूब आंसर है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, पार्ट 7 तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।